योगी वहां पर आ गए थे, गोरखपुर में आ गए थे, और ये धरना बहुत प्रभावशाली हो गया था। मैं तो कहूंगा कि शायद गोरखपुर के इतिहास में कमिश्नर के कंपाउंड में इतना बड़ा धरना कभी नहीं हुआ होगा, जिसमें 9-10 हजार की भीड़ हो और 99% महिलाएं हो। तो योगी ने जरूर प्रशासन को लताड़ा होगा कि आपने कैसे धरना होने दिया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि योगी तो कोई ऐसा आयोजन करने ही नहीं देते, उनका तो खुला देश है कि कोई बोलेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं। तो उन्होंने जरूर प्रशासन को लताड़ा होगा, और प्रशासन ने पेशबंदी में फिर हम लोगों के खिलाफ ये सारी फर्जी कार्रवाई जो है 307 लगाना, सारी धाराएं लगा देना, ये योगी के दबाव में या उसके डर में किया गया है। 13 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें 3-4-5 महिलाएं हैं, और फिर 10-15 और लोगों को अज्ञात में रखा गया। तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को इसीलिए लपेटा गया ताकि हम लोग डर जाएं और दूसरे लोग भी डर जाएं कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का आयोजन करने की हिम्मत ना करे। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। दोस्तों, गोरखपुर में 10 अक्टूबर को अंबेडकर जन मोर्चा ने घेरा डालो डेरा डालो एक धरना एक रैली का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि जो भूमिहीन गरीब लोग हैं, खासकर दलित समाज के लोग, उन्हें एक एकड़ जमीन दी जाए। इस रैली में हजारों की संख्या में दलित महिलाएं पूरे पूर्वांचल से पहुंची थी। उस आंदोलन की आग इतनी तगड़ी थी कि योगी सरकार हिल गई, और उस हिलने का नतीजा था कि उस आंदोलन में शामिल नेताओं को तो गिरफ्तार किया ही, जो लोग भाषण देने गए थे या पक्ष में अपनी बात कहने गए थे उन तक को नहीं छोड़ा। उनमें से हमारे साथ इस वक्त एसआर दारापुरी साहब है। आप सब परिचित हैं कि 10 अक्टूबर की देर रात और 11 अक्टूबर की तड़के इन्हें होटल से उठा लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया? खुद रिटायर्ड आईपीएस उत्तर प्रदेश में ही पोस्टेड रहे हैं, लगातार दलित मसलों पर लड़ते हैं, मानवाधिकार के सवालों पर लड़ते हैं, जन आंदोलनों में सक्रिय और भागीदारी करते हैं। ऐसे में एक इतने बड़े उम्रदराज व्यक्ति को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। आइए 1900 समझते हैं कि उनकी 20 से ज्यादा दिनों की जेल यात्रा कैसी रही, उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिसिया कार्रवाई पर उनका क्या कहना है, योगी किस तरह से इस पूरे मामले से खौफ खा रहे हैं, उस पर भी बातचीत करें। दारापुरी साहब, आपका जनज्वार में स्वागत है। आपको देश इस समय सबसे ज्यादा सुन पड़ रहा है, क्योंकि इस उम्र में भी आपको योगी सरकार ने जेल भेज दिया, वह भी योगी जी ने अपने ही जिले से। असल में गुनाह क्या था आप लोगों का जिसके कारण उन्होंने जेल भेजा? देखिए, जैसा आपने बताया है कि अंबेडकर जन मोर्चा ने कमिश्नर कार्यालय में एक धरने का आयोजन किया था, जिसकी मुख्य मांग थी कि जो गरीब दलित खासतौर से जो भूमिहीन है उनको एक एकड़ जमीन जो है वो दी जाए, और इसके वो मांग पत्र भर के जो है इसके फार्म भर के वो कमिश्नर और जिला अधिकारी को पूर्व में भेजे जा चुके थे। अपनी मांग पर बल देने के लिए ये सब लोग जो है वहां पर एकत्र हुए थे, और मुझे भी आमंत्रित किया गया था खासतौर से, क्योंकि एक तो मैं गोरखपुर में 2.5 साल के करीब पोस्टेड रहा हूँ और वहां के काफी लोग मेरे परिचित थे, दलितों के बीच में भी मेरा काम रहा है, तो मुझे आमंत्रित किया था। तो 10 तारीख को सवेरे मैं वहां पहुंचा था, और पहुंचने के बाद मैं होटल पे गया। होटल से मैं लगभग 12-12:30 बजे जहां धरना स्थल था वहां पर पहुंचा, और वहां पर मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ थी, कम से कम 9-10 हजार के करीब भीड़ थी, जिसमें 99% महिलाएं थी। वो बड़ी उत्साह थी जमीन के मुद्दे को लेके। तो मैंने 10-15 मिनट अपना भाषण दिया, उसके बाद मैं स्टेज से उतर आया, कुछ पत्रकारों से बात की, और उसके बाद लगभग टोटल 1 घंटे के समय के बीच में मैं अपने होटल पर वापस चला गया। अगले दिन जो है सवेरे 6 बजे के करीब मुझे होटल वाले ने नीचे से फोन किया कि सर पुलिस वाले आपसे मिलने आए हैं। मैं नीचे उतर के लॉबी में गया, वहां पर मुझे इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल ने बताया कि सर आपको थाने चलना है। तो मैंने उसको कहा कि देख क्यों, कहता कि नहीं आपको थाने चलना है। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं अभी सो के उठा हूँ, अभी मैं फ्रेश हूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा नाश्ता करूंगा, उसके बाद मैं चल सकता हूँ। तो खैर वो मैंने अपनी वो जो क्रिया थी वो पूरी की, और लगभग इसी बीच में जब ये हुआ तो मैंने जो उसके मुख्य संयोजक थे इस धरने के श्रवण कुमार निराला, उनका फोन मिलाया,
उनका फोन स्विच ऑफ मिला, तो मुझे शंका हुई कि शायद कुछ गड़बड़ है मामला। तो मैंने तुरंत एक अपने फेसबुक पे पोस्ट डाली कि मैं ऐसे ऐसे इसमें भाग लेने आया था और इस समय रामगढ़ टाल की जो पुलिस है वो थाना अध्यक्ष मुझे लेने आए हैं। ये पोस्ट मैंने डाल दी। इस पर तुरंत हमारी पार्टी के, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट पार्टी के जो महासचिव दिनकर कपूर है, उन्होंने उसको रिपोस्ट किया और मेरे वो मतलब छोड़े जाने या गिरफ्तार ना किए जाने की अपील उन्होंने कर दी। उसके बाद 8:15 बजे करीब मैं नीचे आया और इंस्पेक्टर के साथ मैं थाने पर चला गया। वहां से दो एक घंटे के बाद फिर मुझे जो है वहां उस थाने पर मुझे दो और मिले थे, एक लेडी थी एक जेंट था, जो कि यूट्यूबर थे, दिल्ली से आए थे इसको कवर करने के लिए, वो भी उसी थाने पर थे। उनके साथ मैं फिर थाना कैंट पर गया। वहां पर फिर जो है हम लोगों को हमें कुछ खास पता नहीं चला कि हमारे खिलाफ क्या केस है, हमने क्या अपराध किया है, क्योंकि सारी जो वहां कार्यक्रम था वो तो बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। सारे पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद थे, माइक से सारी व्यवस्था चल रही थी। और जब बाद में मुझे पता चला कि वो सारे कार्यक्रम शाम तक शांतिपूर्ण ढंग से चला था, तो मुझे समझ नहीं आई कि भाई ये फिर क्या अचानक अपराध हो गया जिसमें हम लोग को गिरफ्तारी की जा रही है। तो वो फिर थाने पर हमारी वो लिखा पढ़ी की गई, वो मोबाइल वाइल लिए गए और हम लोगों की डॉक्टरी कराने के बाद जेल भेज दिया गया। और रात को लगभग 1:30 बजे के करीब हम लोगों का दाखिला जो है वो जेल में हो पाया। तो ये उस दिन का घटनाक्रम जो ये रहा। और हमें अगले दिन जाके पता चला कि हमारा अपराध क्या है। अखबार में जब देखा तो हमने लिखा कि 8-10 धाराओं में हमारे खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें बिना अनुमति के मीटिंग करना और उसके बाद धारा 144 का उल्लंघन करना और बिजली चोरी करना। सबसे बड़ी हंसी की बात यह है कि हम लोगों ने साजिश करके जो 9 लोग हम लोग गिरफ्तार होके गए थे, हम लोगों ने वहां से बिजली चोरी की और उसका उसका दुरुपयोग किया, वो मुकदमा कायम हुआ। फिर उसके बाद हुआ हमने उसके कमिश्नर कार्यालय में घुसकर जो है तोड़फोड़ की। और फिर बाद में पता चला कि हमारे ऊपर एक कर्मचारी का मारने के नियत से गला दबाने का आरोप भी लगाया गया, कुछ और धाराएं लगाई गई जो लगती है। तो ये इतना बड़ी धाराएं लगा के हम लोगों के ऊपर जो है केस दर्ज किया गया। ये वाला ये हमें अगले दिन जाके पता चला कि हमारा अपराध योगी सरकार ने ये निर्धारित किया है, उससे पहले हम लोगों को कोई खास जानकारी नहीं थी क्या अपराध है हमारा क्या अपराध नहीं। तो ये चीज समझना चाहेंगे सर कि आखिरकार जैसे आप लोग वक्ता थे, तो क्या अब देश में धीरे धीरे ये मान लिया जाना चाहिए कि जो वक्ता जाएंगे उन्हें भी पुलिस उन धाराओं में गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा, 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो 307 के मुकदमे का क्या ताल्लुक है? क्या वो कर्मचारी जिसका गला दबाया आप लोगों ने मिलकर अपने आप 80 वर्षीय बाजू से उस कर्मचारी का जब गला दबा रहे थे, तो उसी का मुकदमा है या किसी और भी का है? देखिए, एक तो हम सब लोगों के खिलाफ, चाहे वो वक्ता थे चाहे वो पत्रकार थे, यूट्यूबर थे, दिल्ली से चार चार लोग आए, चार पांच लोग आए हुए थे, उन सबको अभियुक्त बना दिया गया। इसके पीछे मुझे सरकार का ये उद्देश्य लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की मांग को लेके धरने में शामिल होगा, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो वक्ता हो, उन सबको सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि इसका संदेश जो है दूसरों को भी जाए और वो भी इस प्रकार का कोई भी योजना करने की हिम्मत ना करें। ये मुझे लगता है कि एक संदेश देने की सरकार की कोशिश थी। और ये जो 307 की बात है, ये तो बड़ी हास्यास्पद है। वो व्यक्ति जो कमिश्नर कार्यालय का कर्मचारी शर्मा शर्मा करके है, वो कहता है कि 11 बजे की घटना है, वहां पर लोग आए, अवैध उन्होंने मीटिंग शुरू की, उसमें कमरे में घुस गए, तोड़फोड़ की, और वो कहता है कि मुझे चोट आई। और वो 11 बजे की घटना जो है 10 तारीख की, उसकी FIR 11 तारीख को सवेरे 6 बजे लिखाई जाती है। अब आप देखिए कि इतने घंटे वहां से कमिश्नर कार्यालय से जो कैंट थाना है वो बहुत दूरी पे नहीं है, बिल्कुल नजदीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो इतने घंटे FIR कराने में कैसे लग गए, ये एक विचारने की बात है। और दूसरा ये है कि वो व्यक्ति जो अपनी लिखित तहरीर थाने पर देता है उसमें गला दबाने की कोई बात नहीं है। वो कहता है कि मेरी सूंघने की शक्ति कमजोर हो गई है और मेरे दाहिने कंधे में जो है मुझे दर्द हो रहा। उसकी डॉक्टरी जो होती है, डॉक्टरी में डॉक्टर लिखता है कि भाई स्मेल की ये प्रॉब्लम बता रहा है, उसके लिए ENT को रेफर करता है।
और कंधे की चोट के लिए वो एक्सरे को रेफर करता है। इसके अलावा उसकी इंजरी रिपोर्ट में कोई किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है, क्योंकि FIR में गला आदि दबाने की कोई बात नहीं थी। अच्छा, उसमें वो जो केस दर्ज होता है उसमें 307 नहीं है, बाकी बिजली बिजली वाली सब धाराएं वगैरह लगती है। इसके बाद देखिए, सरप्राइजिंग बात यह है कि FIR में कोई इंदिराज ने गला दबाने का, बाद में FIR दर्ज होने के 6 घंटे बाद जब IO जो है वो उसका बयान लेता है, अपने 161 के बयान में वो कहता है कि मेरा वहां पर गला भी दबाया गया था मेरी जान लेने की नीयत से, वो और जोड़ा पुलिस गया। उसमें 307 की धारा जो है जोड़ देती है। अब मैं तो 32 साल में रहा, पुलिस विभाग में रहा हूं, मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ हो और वो प्रथम सूचना में उसका इंदराज तक ना करे, कोई जिक्र तक ना करे, और इसमें भी वो जिक्र नहीं करता, बाद में उसके बयान में आता है। ये तो गला दबाने की कोशिश करना तो एक बड़ा गंभीर मामला होता है, और सबसे पहले आदमी उसी को लिखाता है, ये नहीं लिखाता। तो वो 307 की धारा, मैं समझता हूँ, इसलिए जोड़ी गई कि जो बाकी धाराएं जिनमें केस दर्ज किया गया था वो सभी जमानती धाराएं थी, उनमें हमें थाने से ही जमानत देनी मिल पड़ती जाती। पुलिस को। अब हम लोग को जमानत ना दी जाए और हमें जेल भेजने का इंतजाम कर दिया जाए, उसके लिए गैर जमानती धारा जो 307 उसमें जोड़ दी गई और हम सबको बिल्कुल, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया बहुत गया। बहुत बड़ी तो बात इससे कह रहे स्पष्ट हैं है कि आप जी, बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हमें 307 में सिर्फ इसलिए डाला गया क्योंकि थाने से जमानत ना हो, क्योंकि बाकी धाराएं जो थी वो सजा उनकी 7 साल से कम की थी। एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे तारापुरी सर, वो ये कि अपराध 10 अक्टूबर को दिन के 11 बजे होता है और मुकदमा दर्ज होने में सुबह के 7 या 6 बज जाते हैं। हम सबको छह पता बज है जाते कि हैं। रात के 10 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ 10 अक्टूबर को गोरखपुर में पहुंच चुके। तो क्या आपको लगता है कि धाराएं जो बढ़ाई गई या मुख्यमंत्री के दबाव में बढ़ाई गई, क्या खुद मुख्यमंत्री ने इन धाराओं के लिए कहा होगा, या यह पुलिस की अपनी अफरा तफरी है कि बिना सोचे समझे एक ऐसी धारा लगा दी जिसके अस्तित्व पर अब सवाल उठ रहा है और जिससे योगी आदित्यनाथ के उस खौफ को भी उजागर होते हुए दलित समाज देख रहा है, जिसकी वजह से उनके नेताओं को जेल में डाल दिया। देखिए, यहां तक मेरा अंदाजा है कि रात के 9:30-10 बजे तक किसी प्रशासन को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वहां सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञापन लेता है, वो जो योजन करता है वो कहते हैं कि आप आश्वासन दीजिए, वो कहता मैं आश्वासन नहीं दे सकता, जिला अधिकारी ही दे सकते, वो कहते अब जिला अधिकारी को बुलाइए। 9:30 बजे जिला अधिकारी वहां पर धरना स्थल पर आते हैं, वो ज्ञापन लेते हैं और इनकी मांग को कहते हैं आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे 5 सदस्यों की, जिसमें 5 आपके होंगे 5 हमारे होंगे, और 2 महीने के अंदर हम इस जो जमीन आवंटन का मामला है इसको हल करने की कोशिश करेंगे, और उस पर वो धरना समाप्त करने की वो बात कहते हैं और धरना समाप्त कर दिया जाता। तो इसे स्पष्ट है कि धरना समाप्त होने तक इसमें किसी प्रकार की कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई नहीं थी, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, कोई तनाव नहीं था, कुछ भी अवैधानिक नहीं था। परंतु जैसा आपने इंडिकेट किया है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि योगी वहां पर आ गए थे, गोरखपुर में आ गए थे, और ये धरना बहुत प्रभावशाली हो गया था। मैं तो कहूंगा कि शायद गोरखपुर के इतिहास में कमिश्नर के कंपाउंड में इतना बड़ा धरना कभी नहीं हुआ होगा, जिसमें 9-10 हजार की भीड़ हो और 99% महिलाएं हो, महिला और वो भी दलित महिलाएं हो। तो इससे मुझे लगता है कि लोगों ने योगी से शिकायत की होगी कि प्रशासन ने इतना बड़ा धरना करवा दिया दलितों का, वो भी जमीन के मुद्दे को लेके। तो योगी ने जरूर प्रशासन को लताड़ा होगा कि आपने कैसे धरना होने दिया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि योगी तो कोई ऐसा आयोजन करने ही नहीं देते, उनका तो खुला देश है कि कोई बोलेगा नहीं कोई लिखेगा नहीं। तो उन्होंने जरूर प्रशासन को लताड़ा होगा, और प्रशासन ने पेशबंदी में फिर हम लोगों के खिलाफ ये सारी फर्जी कार्रवाई जो है 307 लगाना, सारी धाराएं लगा देना, ये योगी के दबाव में या उसके डर में किया गया है, और जिसमें हमें जो है निशाने पर लिया गया। जी, एक और सवाल ये कि मतलब जिस तरह से आप लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेखक और पत्रकार रामू सिद्धार्थ की गिरफ्तारी हुई, उसके अलावा अन्य कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई श्रवण कुमार निराला के अलावा, तो इसका जो एक इंडिकेशन वो ये है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर यूट्यूबर्स की बात करें, आपकी बात करें, रामू सिद्धार्थ की बात करें, कि अगर आप समर्थन में जाते हैं, अगर आप कवर करने जाते हैं तो सबकी गिरफ्तारी हो सकती है।
आप सबको मैं बताना चाहूंगा, संयोग से उस कार्यक्रम को मैं भी कवर कर रहा था, पता नहीं मुझे क्यों नहीं उठाया, शायद मैं गोरखपुर से निकल गया था उस वक्त तक जब तक गिरफ्तारी हुई, या पता नहीं। लेकिन क्या यह इंडिकेशन भविष्य के होने वाले आंदोलनों को इस तरफ इशारा कर रहा है सर, कि अगर अब आप जिस आंदोलन में जाएंगे उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ जाएंगे, न कि आप सिर्फ एक वक्ता, एक विश्लेषक, एक जानकार के तौर पर या एक समर्थनकर्ता के रूप में जाएंगे? यह जी हमारा जी जी सवाल है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसा मैंने पहले बताया कि सारा कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो गया था, बड़ा प्रभावी ढंग से हो गया था, प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं थी। जी परंतु बाद में योगी के आने के बाद मुझे लगता है कि प्रशासन को टाइट किया गया, क्योंकि गोरखपुर में इतने बड़े धरने का हो जाना, वो भी दलितों के धरने का हो जाना और जमीन की मांग को लेके हो जाना, जी ये प्रशासन के लिए या योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी संख्या में औरतें आकर गोरखपुर में जमीन की मांग करती हैं और प्रशासन उसको होने देता है। तो हम सबके खिलाफ, चाहे वो पत्रकार थे, चाहे मैं एक वक्ता के तौर पे आया था या बिल्कुल आयोजन करता थे, सबको बड़ी संख्या में, जैसे 13 लोगों को नामजद किया गया जिसमें तीन चार चार पांच महिलाएं हैं और फिर 10-15 और लोगों को अज्ञात में रखा गया। तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग को इसीलिए लपेटा गया ताकि हम लोग डर जाएं और दूसरे लोग भी डर जाएं के जी भविष्य में कोई भी इस प्रकार का आयोजन करने की हिम्मत ना करे। तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि जो भाजपा की सरकार है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, वो सारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है और जनता की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको तो बिल्कुल उन्होंने गला दबा रखा है। और इनकी ये कार्रवाई भी उसको और सख्त करने और लोगों को डराने धमकाने की कार्रवाई का एक नमूना है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सारदारा पुरी, वह पूर्व आईपीएस हैं, उत्तर प्रदेश में ही वह तैनात रहे। वह उम्र के 8वें दशक यानी 80 वर्ष के लगभग के हैं, और इस उम्र में योगी सरकार ने उन्हें गोरखपुर से उठाकर गोरखपुर जेल में डाल दिया था। गुनाह ये था कि वह एक ऐसी सभा में शामिल हुए थे जहां दलित समाज के भूमिहीन लोग मांग कर रहे थे कि उन्हें खेती बाड़ी के लिए 1 एकड़ जमीन दी जाए। उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए मैं भी गया था, मैं वहां मौजूद था, और महिलाएं बार बार एक डायलॉग भोजपुरी में बोल रही थी कि हमनी की लगे लहसुन बोवे के जगह ही नहीं बा, और हमरे दुअरवा पर 10-10 एकड़ के मालिक लोग के घर बा। यानी एक ही गांव में यह जो असमानता का खेल है, उसके लिए वो लहसुन बोने भर की जगह मांगने आई थी। लेकिन महामहिम महंत योगी आदित्यनाथ को यह बर्दाश्त नहीं था और उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। खैर, आपसे दारापुरी साहब ने विस्तार से बताया कि अब वह जमाना लद गया जब आप सिर्फ वक्ता बनकर जाएंगे। अब आपको जाना होगा तो पूरे कंसर्न के साथ जाना होगा, यह मान के जाना होगा कि सरकार बिना यूएपीए लगाए भी यूएपीए जैसी हालत में आपको पहुंचा देगी। धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।